हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यू स्टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। युवराज सिंह ने नम आंखों से लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर और 2011 विश्व कप में हीरो रहे युवराज सिंह ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। युवराज ने अंतर्राष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। आगे आईसीसी से मान्यता प्राप्त विदेशी टी20 लीग में फ्रीलांस कैरियर बनाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज स्टॉक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। युवराज ने भारत के लिए 304 वनडे में 8701 रन बनाए हैं। युवी ने साल 2000 में केन्या के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था और अपना आखिरी एक दिवसीय मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। युवराज ने अपना टेस्ट डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2000 में पंजाब के मोहाली मैदान पर खेला था। युवी ने 40 टेस्ट की 62 पारियों में 1900 रन बनाए हैं। 58 टी20 मैच खेलते हुए युवराज ने 499 रन ठोके हैं। टी20 में इंग्लैंड के खिलाफ युवी ने 6 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया था और अपना आखिरी टी20 मैच इंग्लैंड के खिलाफ बैंगलोर में खेला था। बता दें कि युवराज इस साल आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से खेले थे, लेकिन उन्हें अधिक मौके नहीं मिले। वे वर्ल्ड कप में खेलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। युवराज ने कैंसर से जूझते हुए भारत को 2011 विश्व कप में अहम भूमिका और जीत दिलाई थी। वे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। कैसी लगी ये खबर कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट देना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की रोचक और मज़ेदार जानकारियों और ख़बरों के लिए द न्यूज़ टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।